हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे, और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे चार कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को 14 से 17 दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा, तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%, तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, या अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है, और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा,